जयस संगठन ने महू में मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ किया प्रदर्शन और तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। मालवा मिरर के लिए महू से पत्रकार नीतू मोर की खबर। प्रदेश की संस्कृति व पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा आदिवासी संगठन जयस के बारे में की गई टिप्पणी पर हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल इंदौर में आईजी कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद आज जयस के प्रदेश व जिला पदाधिकारी महू पहुंचे। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर माल्यार्पण करने के बाद जयस के कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए महू तहसील कार्यालय पहुंचे। अंबेडकर विश्वविद्यालय में खरीद फरोख्त की सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर जी ने जेएस को देशद्रोही संगठन कहा गया था। क्या जेएस देशद्रोही संगठन है? जेएस युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, शिक्षित करने का बात करता है, स्वयं का रोजगार डालने की बात करता है। क्या ये आदरणीय मंत्री महोदया को ये देशद्रोह लग रहा है जेएस का? तो इसीलिए जेएस के हम लोग आज मांग कर रहे हैं प्रशासन से, उनके खिलाफ SC ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करें। और उन्होंने देवास के प्रवास के दौरान अपनी गाड़ी पे राष्ट्रीय ध्वज उल्टा लहराया था, उनके खिलाफ उल्टा लहराया था राष्ट्रीय ध्वज, उनके खिलाफ देशद्रोह का प्रकरण पंजीबद्ध हो, ये हमारी सबकी मांग है। फिलहाल कल उषा ठाकुर ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी है कि हमने, अरे माफी मांगने से क्या होगा, आज कोई माफी गाली बकेगा, कल कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने माफी उन्होंने सामाजिक संगठन से मांगी है, उन्होंने जेएस से नहीं मांगी है। क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने उनके भाषण के दौरान खुले खुले क्लियर शब्दों में जेएस को देशद्रोही संगठन कहा गया था। उसके बाद आपका भी मीडिया का एक साथी उनको पुनः उनसे सवाल करता है, क्या आपने जेएस को देशद्रोही संगठन कहा? और मंत्री महोदय पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बोल रही थी कि जेएस देशद्रोही संगठन है, इसलिए आपने जेएस को देशद्रोही संगठन कहा है, आपको जेएस से ही माफी मांगनी होगी। यहाँ पर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई और मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।